भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो और मैच से पहले यानी कि मैदान से पहले बातों की लड़ाई ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक पूर्व कप्तान ने बड़ा बयान दे दिया और भारतीय टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज स्काई के बारे में एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। उन्होंने कहा कि स्काई को तो हम कुछ समझते नहीं है, मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं है सूर्य कुमार यादव चाहे कैसे भी बल्लेबाज क्यों ना हो, क्योंकि वो विवियन रिचर्ड्स नहीं है। जी हाँ, ये आमिर सोहेल ने कहा, ये वही आमिर सोहेल है जिन्होंने कि 1996 में बेंगलुरु में वेंकटेश प्रसाद पर चौका क्या मार दिया था, बल्ला दिखाने लग गए थे ऐसे कि देखो इधर चौका मारूंगा उधर चौका मारूंगा, और अगली गेंद पर वेंकटेश प्रसाद ने उनको बोल्ड मारा और कह दिया कि उधर चले जाओ, वहां पर पवेलियन है, आराम से बैठकर आइसक्रीम खाना। तो ये आमिर सोहेल की कहानी है। उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और चाहे वो स्काई हो चाहे वो कोई और हो, क्योंकि स्काई विवियन रिचर्ड्स नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, मैं मानता हूं कि स्काई विवियन रिचर्ड्स नहीं है क्योंकि हम 1975 में एक्सक्यूज मी क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि अगर इस सहरा की आप बात करेंगे तो विवियन रिचर्ड्स की तरह स्काई खेलते हुए नजर आते हैं। देखिए, अब विवियन रिचर्ड्स के जमाने में स्काई नहीं खेलते थे, इसमें स्काई की तो गलती नहीं है, या हो सकता है कि आज से 20 साल बाद जब स्काई के जमाना नहीं रहेगा कोई और खेलेगा तो उस समय हम कह दें कि वो उस तरीके के बल्लेबाज नहीं है, तो कंपेयर करना हमें बंद करना चाहिए। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव इस समय जलवे दिखा रहे हैं, जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे पार पाना इतना आसान काम नहीं है। और बाय द वे, हम पाकिस्तान को बता भी देंगे, कल ही बड़ा मैच है, क्या पता कल स्काई ही पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन आमिर सोहेल का कहना है कि हमारी गेंदबाजी लाइनअप इतनी तगड़ी है कि भारतीय टीम बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी, और पिछले 3 मैचेस को अगर आप देखें तो 2 बार पाकिस्तान की टीम जीती है और कल हम ही जीतने वाले हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई आमिर सोहेल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से है तो उनको लगता है कि पाकिस्तान की टीम मैच जीतेगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैच से पहले इस तरीके की बड़ी बड़ी बयानबाजी से हमें बचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर कल स्काई अगर भारतीय टीम को मैच जिता देते हैं तो फिर आमिर सोहेल का क्या बयान आएगा? क्या मानेंगे कि वो विवियन रिचर्ड्स हैं? क्या वो मानेंगे कि वाकई में स्काई ने अकेले ही अपने दम पर भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिता दिया? बाकी ये कल का इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं टीम इंडिया किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है और क्या वाकई में स्काई जो है वो विवियन रिचर्ड्स वाला जो बयान दिया आमिर सोहेल ने उनको जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। इंतजार कीजिए, हमारी टीम भी तैयार है और पाकिस्तान के छक्के इस बार यकीनन हम छुड़ा देंगे। बने रहिए आप स्पोर्ट्स टॉक के साथ।